हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे, ठीक है, जिनको ICER का एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने ICER UG का एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने PG का एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने PhD का एग्ज़ाम दिया। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स की, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है, इसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान भी होंगे कि कैसे मेरा एडमिशन प्रोसेस होगा। मेनली ये जो प्रॉब्लम होती है वो UG के स्टूडेंट्स को आती है कि कैसे हमें हॉस्टल में स्टे करेंगे, हम रहेंगे कहाँ और कैसे हम खाना खाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सारी प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं, जितने भी डाउट्स, प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। सबको पता होगा, बेसिकली माई नेम राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो, इसी यूनिवर्सिटी का मैं भी एक छात्र हूँ, ठीक है। तो आज इस वीडियो से हम आपकी सारी हेल्प करना चाहेंगे। इसके लिए मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप का जो है लिंक भी क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो यहाँ पे एडमिशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे आप जो है इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हो। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी डाउट हो सॉल्व करें, जिससे जो भी स्टूडेंट है मेनली यूजी के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनके सारे डाउट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको क्या क्या चाहिए होगा, कहाँ पे आपको स्टे करना है, हॉस्टल आपको कैसे मिलेगा, वो मैं वॉइस मैसेज के द्वारा आपको, यदि मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कहाँ पे उतरना है, कहाँ से बस मिलेगा, कितना किराया, वो सब चीज़ें हम बता देंगे आपको, ठीक है। कोशिश करूंगा क्योंकि हेल्प मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत है, तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप आपको क्रिएट कर दिया है। नीचे आपको ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप डायरेक्ट जो है मतलब ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपकी क्या डेट्स है, ठीक है, पूरा आपको कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है, हॉस्टल आपको कैसे मिलेगा, क्लासेस आपकी कैसे स्टार्ट होंगी, और उसके बाद आपका एग्जाम्स जो यहाँ पे मिड टर्म एंड एंड टर्म होता होगा, PG के स्टूडेंट्स को पता है, तो आपका एग्जाम लगता है मिड टर्म एंड एंड टर्म, ठीक है, तो वो किस डेट को होने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपका A to Z इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें नीड है तो नीचे मैंने लिंक दिया है, वो ज्वाइन आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी डेट्स क्या है, किस डेट्स को आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, क्या क्या आपको साथ लाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपको। तो चलिए आप डेट्स की बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आपके, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स जो डेट हम बता रहे हैं उसी को यहाँ पे आपको राइल करना होगा, ओके। तो सबसे पहले यूजी, पीजी और पीएचडी की बात करेंगे। तो यूजी की स्टूडेंट्स की बात करें, या आप पीजी से हो या चाहे पीएचडी से हो, सभी स्टूडेंट्स को 2 से लेकर 3 तक आपको यहाँ पे स्टे मतलब आना होगा कॉलेज में, ठीक है। आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, वो कैसे होगा हम बात बताएंगे। उसका सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपकी होगी साथ साथ। तो वो आपका 3 तारीख तक यहाँ पे, 2 और 3 को आपको सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आ जाना है, आपका एडमिशन प्रोसेस एंड फीस पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 को आपको रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स रजिस्ट्रेशन सब कर देना है। उसके बाद में आपका यूजी के स्टूडेंट्स की क्लासेस 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका यूजी के जो पीजी के कोर्सेस है, मिड टर्म आपका जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो, 8/5/2023 से पहला एग्जाम आपका लगेगा। उसके बाद में आपका और दूसरा एग्जाम्स है वो 10/7/2023 को आपका लगने वाला है, ठीक है। ये आपका हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में आपका ये रिजल्ट रिजल्ट की डेट यहाँ पे दे रखी है, सेकंड जो आपका होगा सेकंड सेमेस्टर, उसकी जो डेट है 16/17/8/2023 से आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपको 15 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, उसके बाद 16 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन फीस से स्टार्ट हो जाएगा। 18 तारीख को आपको पूरा प्रोसेस होकर क्लासेस चलने स्टार्ट हो जाएंगी, और वही आपका मिड टर्म और एंड टर्म यहाँ पे 11/12/2023 को प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स है। तो इस डेट्स में आपको सारा आपको इस तरह से आपका जो है आपका अकेडमी चलने वाला है। तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा कि अकेडमी आपका किस तरह से चलने वाला है। तो यूजी पीजी पीएचडी का यहाँ पे अकेडमी दे रखा, देन आपको यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स, ये तो हमने डेट्स बता दी, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लाना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो मैंने पहले वीडियो बना दिए हैं, ठीक है, बाकी ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा कि आपको अपना 10th का 12th का मार्कशीट लाना है, आपको एडमिट कार्ड लाना है, कंफर्मेशन पेज लाना है, आपको पेमेंट का जितना भी आपने 10,000 पेमेंट किया तो उसकी रसीद लानी है, उसके बाद TC, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको सेंट्रल का, स्टेट का, ठीक है, सारी चीजें आपके पास, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। हालांकि कोविड का भी आपसे पूछा जा रहा है, तो कोविड का भी आपके पास होना चाहिए, यदि नहीं है तो यहाँ पे मेडिकल टीम आपका रहेगा, उससे आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बता दी गई है। उसके बाद में आपको कहा बात करेंगे कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे आपका एडमिशन प्रोसेस 2023 का, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा,
ठीक है, यहाँ पे कैसे आपका एडमिशन होगा, यहाँ पे अराउंड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपको क्या रिक्वायर्ड होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से 3 मास तक यहाँ पे आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 तारीख को कल शाम तक आपको यहाँ पे पहुंच जाना है, यदि आप 2 तारीख को मॉर्निंग में भी पहुंचते हो तो आपका चल जाएगा, ठीक है। इससे लेट आपको नहीं होना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप यूजी के हो, चाहे आप पीजी के हो, चाहे आप पीएचडी के हो, ठीक है, तीनों स्टूडेंट्स को यहाँ आपको मेन कैंपस में आना है, जो कि पूसा समस्तीपुर में स्थित है, ठीक है, जो कि आपका समस्ती से 30-40 किलोमीटर दूर है। ओके, वहां से आप समस्तीपुर से आओगे, वहां से पर पर्सन का आपका टेम्पू से या बस से 50 रुपीज आपका लेगा, आपको कॉलेज के मेन गेट तक आपको छोड़ देगा, ठीक है। अब मेन गेट कैसा दिखता है उसके लिए मैंने ब्लॉग ना रखा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो ऑल यूजी पीजी एंड पीएचडी के, चाहे आप कोई सा भी कोर्स अलॉट हुआ आपको यूजी में चाहे पीजी में, ठीक है, तो सबको यहाँ पे मेन कैंपस में ही आना है। ओके, सभी स्टूडेंट्स आगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन में अपलोड किए थे वो आपके ऑफलाइन में देखे जाएंगे, क्या कि वही डॉक्यूमेंट्स आप लाए हैं कि नहीं लाए, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद ही आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपका ICR का रोल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट्स नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सर्चिंग सबमिट हो जाएगा, देन आपका वेरीफाई होने के बाद आप क्या करोगे, अपना जो भी रोल नंबर है, ठीक है, ICR रोल नंबर, आपका नेम जो भी आ जाएगा, उसके बाद अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, अपना फोटो, ये सारे अपलोड करने हैं, ठीक है। देन हम बात करें आगे, उसके बाद में आपका ऑफिशियल साइट पे जाना है, जो IUMS पोर्टल होता है, ठीक है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। IUMS पोर्टल पे जाके यूजी पीजी एडमिशन फीस पेमेंट करना होगा, फीस पेमेंट जो भी आपकी सेमेस्टर फीस होती है, ठीक है, जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, जो भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी आपके कोर्सेस हो, उस कोर्सेस के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कॉलेज, यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट होगा, देन उसके लिए आपको फीस पेमेंट करना होगा, कितना फीस आपका लगेगा ऐसे शो हो जाएगा विथ नेम आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाने के बाद फीस पे का ऑप्शन आएगा, 2 तारीख से आपका ओपन हो जाएगा, एंड फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका ID बन जाएगा, ठीक है। तो ID, एडमिशन फीस लेटर कैसे खुलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको और उसको डेट ऑफ बर्थ डाल के आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपका कितना फीस है वो यहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि किस किस का आपका फीस लिया जा रहा है और कितना फीस आपका लग रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आने के बाद आपका नीचे कैसे आप पेमेंट करोगे, तो थ्रू टू आप जो है स्मार्ट कार्ड कार्ड या नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट फीस पेमेंट कर सकते हो। ये सारा यदि कोई इश्यू होता है तो आप हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। इसके होने के बाद आपका लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे इंटर आपका रोल नंबर मिलेगा, ठीक है, RPC अपना रोल नंबर देगा, आपको ईमेल आएगा या आपको मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू आप खोल सकते हो। पासवर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा, वो पासवर्ड करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे और भी डिटेल दी है, फीस डिटेल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अपने रजिस्ट्रेशन कोर्स के लिए कौन कौन सा अप्लाई करिएगा और फीस डिटेल सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद अपने सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, तो सारे जो भी जो के सिलेक्ट कोर्स रहेंगे उस कोर्स को सिलेक्ट करके आपको सबमिट करके देना है, कितना आपका क्रेडिट ओवर होगा, कौन टीचर आपको पढ़ाएगा, सारी डिटेल्स आपके सामने रख दी जाएंगी। ओके, तो ये सब चीज कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, मतलब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और आपको हॉस्टल्स है वो आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, जो भी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ की अथॉरिटी के द्वारा आपको या टीम्स के द्वारा जो भी स्टाफ रहेगा उनके द्वारा आपको लेटर दे दिया जाएगा फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सीरीज सारी चीजें आपका वन बाय वन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये चीज सब चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को डाउट हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हो, और मैंने सारी चीजें बता दी है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो नीचे लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया है, उस लिंक भी आप ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, यदि कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस ग्रुप से पूछ सकते हैं, यदि हमारे पास टाइम रहेगा तो हम आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।